अब बात बची भूपेंद्र हुड्डा की और आने वाले समय में उनकी जगह जेल में। बधाई देना चाहता हूँ आदमपुर हल्के की महादुर जनता को, जिन्होंने हरियाणा के पप्पू को और जयप्रकाश को यूं करके पार कर दिया। ये दो बार इलाज मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर लिया है, एक बार राज्यसभा चुनाव में, दूसरा उप चुनाव में, तीसरा लोकसभा और चौथा जेल की सलाखें, उसके बाद ये बदला पूरा होगा। अभी बदला बाकी है। क्या कुछ कहेंगे सर, किस तरीके से भव्य बिश्नोई की जीत को देखते हैं, मंत्री बन रहे हैं शायद? देखिए, भव्य बिश्नोई की जीत का सारा श्रेय मैं आदमपुर हलके की जनता को देता हूं और मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली को और मनमोदी साहब की नीतियों को, और बधाई देना चाहता हूं आदमपुर हलके की महादुर जनता को, जिन्होंने हरियाणा के पप्पू को और जयप्रकाश को यूं करके पार कर दिया। अब बात बची भूपेंद्र हुड्डा की और आने वाले समय में उनकी जगह जेल में। कुलदीप बिश्नोई जी, 2009 में चौधरी भजन लाल को कांग्रेस ने जो धोखा दिया था, क्या उसका बदला ले लिया गया इस भव्य जीत से? देखिए, दो बार इलाज मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर लिया है, एक बार राज्यसभा चुनाव में, दूसरा उप चुनाव में, तीसरा लोकसभा और चौथा जेल की सलाखें, उसके बाद ये बदला पूरा होगा। अभी बदला बाकी है। कुलदीप जी, यूनिकोड को कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया। यूनिकोड क्या समझाएंगे? सिविल कोड। देखिए, ऐसा है कि अभी फिलहाल मैं और सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैंने तो कहा था कि दो सवाल मेरे से पूछवाना, क्योंकि मेरे कार्यक्रम बहुत लंबे हैं, करनाल के, उसके बाद कुरुक्षेत्र वाला, फिर इंतजार दो करवा दिया, दो घंटे इंतजार करवा दिया, दो सवाल। एक बार पुनः कि भाई, आप चौधरी भजनलाल परिवार पर जिस प्रकार का विश्वास बनाए रखते थे, उसी प्रकार का विश्वास आगे बनाए रखिए, जो चौधरी भजनलाल जी के सपने हैं, खट्टर साहब और मोदी साहब मिलकर सपनों को पूरा करेंगे। ये क्या, एक लास्ट सवाल सर, कांग्रेस की फूट को किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी जो जहाज है जो डूब चुका है, और ये लोग सड़कों पर इसलिए जो घूम रहे हैं, बस वही उनके साथ लोग हैं। देश की जनता ने पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी बहुत पहले सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में थी और सुसाइडल मोड पे थी, अब कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी, कोई भविष्य नहीं। एमसीडी चुनाव को